ये तो सीधे तौर पे कश्मीरी जनता से कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट का एक धोखा, एक दमन की नीति है। ये धारा 370 भारत को जोड़ने वाली एक असल में धारा है। भारत और जम्मू कश्मीर का जो संबंध है वो 370 पे ही टिका हुआ है। दूसरा जो 35 है, जो वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट को लेके लोकल वहाँ के नेटिवों का अधिकार है, वो तमाम और भी जो भारत के अलग अलग इलाके हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वहाँ के लोगों के लिए भी है कि वहाँ के जो नेटिव है, वहाँ के जो लोकल हैं, वही प्रॉपर्टी राइट रखेंगे। तो ये सिर्फ 35A का मसला सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, और असल में सरकार को, जो मोदी और अमित शाह की सरकार है, इसको कश्मीरी जनता से कोई लगाव नहीं है, कश्मीरी जनता से इसका कहा जाए कोई प्रेम नहीं है। इसको वहाँ कश्मीर की ज़मीन चाहिए, कश्मीर के अंदर अपनी तानाशाही लाके वहाँ पे तमाम और कॉरपोरेट को घुसाना चाहते हैं, ताकि वहाँ के ज़मीन पे और ज़्यादा मॉल, तमाम अमरनाथ साइन बोर्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, जो पूरी अमरनाथ यात्रा को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा ले रही हैं, वो आके कॉरपोरेटाइजेशन करेंगी पूरी यात्रा का। अभी उस पूरी अमरनाथ यात्रा में आम कश्मीरी लोग हैं जिनकी जीविका जुड़ी हुई है, तमाम मुस्लिम आबादी है जो घोड़े चढ़ाई से लेके तमाम अपना काम करती है। तो वहाँ पे अगर प्रॉपर्टी का राइट यहाँ के लोगों को दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग मानते हैं कि वहाँ के लोगों की जीविका पे, लोगों की कहा जाए जो बुनियादी जल जंगल ज़मीन है, उस पर कब्जा करने का ये पूरा हस्तक्षेप है। और इंडियन स्टेट इस समय जिस तरीके से कश्मीर पे हस्तक्षेप कर रहा है, कश्मीर की जनता को एक जेल खाने में कैद कर रहा है, उसके खिलाफ़ सब लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। कश्मीर को आज फिलिस्तीन बनाया जा रहा है, जिस तरीके से इसराइल ने चारों तरफ से उसको घेटों में घेर रखा है, उसी तरीके से कश्मीर को भी फौजी शासन के तहत लाया जा रहा है। इसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ़ हम लोगों को सड़कों पे उतरना चाहिए। हमारे लिए कश्मीरी जनता हम लोगों के भाई हैं, हम लोगों के साथी हैं, और उसके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आज़ादी के लिए, उनके तमाम सवालों के लिए हम लोगों को साथ खड़ा होना। लोगों का कहना है ये बिल्कुल, जो जब कश्मीर का जब कॉन्स्टिट्यूशनली जब जोड़ा गया था, कश्मीर साथ में आया था, तब ये नेहरू ने वायदा किया था कि ये नहीं हटाया जाएगा, और तभी कश्मीर शामिल हुआ था जब पहली बार भारत के अंदर जब ये हिस्सा बना था कश्मीर। और अब बिना किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के असेंबली में पारित हुए सीधे अगर सरकार बैठकर फैसला ले लेती है, यह कश्मीर की जनता के साथ धोखा है और एक सिविल वॉर की शुरुआत करेगा। हमको ये सीधे सीधे लगता है कि ये फैसला जम्मू कश्मीर की जो वहाँ की असेंबली थी उसके अंदर से आपने बिना किया नहीं, आप उसको भंग कर देते हैं और उसके बाद ये फैसला ले लेते हैं। जबकि खुद ही आप देखिए, अभी से 3-4 दिन पहले लगातार सरकार ये स्टेटमेंट दे रही थी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये तो कश्मीर की अस्मिता हम लोग बताना चाह रहे हैं, अभी जमहूरियत की, इंसानियत की और कश्मीरियत की बात कर रहे थे अमित शाह। और अचानक से इतनी भयंकर संख्या में आप पुलिस बल पहुंचाते हैं, 38,000 वहां पर सेना पहुंचाई जाती है और वहां पर पूरा कर्फ्यू लगा दिया जाता है और उसके बाद यह घोषित किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये डर है कि इसके बाद जनता सड़कों पर उतरेगी। ये किसी भी तरीके से जिस तरह से किया जा रहा है ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। ये भारत का संविधान जिस प्रक्रिया से बना था, जैसे बना था, उसके खिलाफ जाता है। दूसरा, ये कश्मीर की जनता के जनवादी अधिकार पर हमला, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये गलत है। ऐसे बहुत से राइट्स हैं जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी पूरे भारत में लागू है, चाहे तो आप वो राइट टू एजुकेशन ले लो, या फिर घरेलू हिंसा के विरोध में जो कानून बनाए गए हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, जबकि बाकी पूरे देश में लागू है। तो इससे अगर 370 हट जाता है तो इससे इन कानूनों या फिर और भी जो कानून है तो उससे तो वहाँ की जनता को फ़ायदा ही होगा। निश्चित रूप से आप कहें कि कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन मूल तौर पर देखें तो जिस तरह से जो चीज़ें करने जा रही है सरकार, उसमें मूलतः मुख्यतः नुकसान होने वाला है। जितना भी होगा कश्मीर की जनता का, जितना भी चल रहा है, आप जहाँ पर भी जाकर देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर देखिए, जहाँ पर भी हुआ, जहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार आता है, तो यहाँ के भारत की बड़ी एक आबादी जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीदेगी, वहाँ पर नौकरी करेगी। एक तरीके से कश्मीर की जनता, जैसे बात इसकी है कि निश्चित रूप से वहाँ पर अभी जो हो रहा है उसमें आप बात कर सकते हैं कि भाई वहाँ कानून ये पारित होना चाहिए था, तो वहाँ पर भाजपा की सरकार अपनी सरकार बनाए जम्मू कश्मीर में जाकर, और वहाँ की जम्मू कश्मीर असेंबली से ये पारित करवाए। ये जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बनाया तो इन्होंने तो सरकार भी बनाई थी PDP के साथ, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर असेंबली से इन्होंने ये सारे कानून क्यों नहीं पारित करवाए? अगर ये 317 को हटाना था तो वहाँ की असेंबली से क्यों नहीं हटाया जाकर, और वहाँ पर जाकर ये चुनकर जाते या जिसके साथ भी जाएँ और तब करें, तब ये बोल सकते हैं कि भाई हमने जनता का रिप्रेजेंटेशन लिया। ये तो अभी आप जनता, आप पहले ये बात करते कि नहीं, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन मिला है, यहाँ से आप अपने जम्मू कश्मीर की असेंबली ये तय करेगी कि वहाँ के अधिकार क्या होंगे, फिर
आप वहाँ से नहीं तय करते हैं, आप पार्लियामेंट से तय कर देते हैं, यहाँ से सीधे पारित कर देते हैं, तो ये अपने आप में जो खुद ये मोदी सरकार बोलती रही है उसके भी खिलाफ है। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से जिसमें कश्मीर शामिल हुआ था उसका जो पॉलिसीज थी, उसके जो नीति थी, उसके जो नियम थे, उसके खिलाफ जाता है। ये हम लोग कह रहे हैं मूलतः ये पार्लियामेंट ने जो पारित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है।